हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सब कैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो, क्योंकि हम स्किन केयर मेकअप के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन हेयर का क्या? हेयर तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हेयर के लिए और ब्यूटीफुल नेल्स के लिए एक सीक्रेट, जो कि मैं यूज कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से और बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं और नेल्स भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, थोड़े से परेशान है। तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं और मैं इसे यूज भी कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं, तो इससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बायोटिन गमीज बाय पावर गमीज, और ये इतने अच्छे गमीज है, मैं इसे कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ। मुझे इसे यूज करते हुए 15 डेज से भी ज्यादा हो गया है, एंड अब मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसे यूज करते हुए कुछ टाइम हो ही गया है और इसका जो रिजल्ट है वो विजिबली मुझे देखने को मिल भी रहा है। गमीज के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे कि वो कौन सा बायोटिन गमीज इनटेक करें जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, मतलब हेयर की हेल्थ इंप्रूव हो और नेल्स की हेल्थ इंप्रूव हो। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बायोटिन गमीज बाय पावर गमीज। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे गमीज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 15 डेज से ज्यादा हो गया मुझे इसे यूज करते हुए, एंड आज मैं आप लोगों के साथ इसका फुल रिव्यू आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करूं उससे पहले ये जो प्रोडक्ट क्लेम करता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पावर गमीज है जिसमें आपको बहुत सारे विटामिन देखने को मिलता है फॉर गॉर्जियस हेयर्स एंड नेल्स के लिए। ये जिसकी मेंशन किया हुआ है कि आपको मिक्स्ड बेरी फ्लेवर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी है। आपको मतलब 2 इनटेक करना है दिन में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप सारे गमीज एक दिन में ही खत्म कर दें, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पर डे आपको 2 गमीज इनटेक करनी है और इसे आपको रेगुलर करना है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है 90 डेज के लिए, या फिर आप 1 मंथ का भी इसे ले करके वाला जो पैक आता है वो 1 मंथ के लिए आता है, तो आप इसे भी ले करके आप देख सकते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है आपके हेयर और नेल्स के लिए, एंड उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 90 डेज के लिए। तो अभी मुझे इसे यूज करते हुए 15 डेज से ज्यादा हो गए हैं, और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट भी है, जिसकी इसमें है बायोटिन, जिंक, विटामिन A to E, फॉलिक एसिड है, जो आपके हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो इसमें सारे ही डिटेल्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, इसके इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं और कैसे आपको इनटेक करना है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको 2 इनटेक करना है पर डे, आप कभी भी इनटेक कर सकते हैं इसे, कोई ऐसा मतलब टाइम नहीं है कि आप मॉर्निंग में लें नाइट में लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 गमीज आपको बस इनटेक करनी है एक दिन में, और इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, जिसकी इसमें है विटामिन A to E है, विटामिन ए से लेकर के विटामिन ई तक इसमें सारे ही विटामिन्स हैं। तो जैसे कि इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन बी, विटामिन ए, और इसमें है विटामिन D3, विटामिन B12। तो और भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, बायोटिन है, सोडियम है, और इसमें जिंक है, फॉलिक एसिड है। वो 60 गमीज आपको देखने को मिलता है, 1 मंथ का ये पैक आपको मिलता है। ये इसकी आउटर बॉक्स है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो एक्चुअल पैकेजिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, तो इसे हम ऐसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको जो इसकी एक्चुअल बॉटल है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये मिलता है, और आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मतलब ऐसे कार्ड मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस कार्ड, जिसमें आप रीड कर सकते हैं कि कैसे यूज करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कैसा वर्क करता है, तो वो सब आप रीड कर सकती है इंस्ट्रक्शंस कार्ड के थ्रू। और जो इसकी एक्चुअल पैकेजिंग आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, और इसमें आपको 60 गमीज मिलते हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद इसे ओपन करना है, तो ये इजिली ओपन हो जाता है ऐसे, नहीं तो आप इसे घुमाते ही रह जाएंगे। और ये जो गमीज के शेप है कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलता है, मतलब जो एक बियर होता है टेडी बियर उस शेप में है, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो आप देख सकते हैं इनका जो शेप है बिल्कुल इस तरीके का है, टेडी बियर की शेप में आता है, बियर की शेप में आता है। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस पावर गमीज के बारे में जो मेरी एक्सपीरियंस है वो। तो मुझे इसका जो सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है वो अपने नेल्स पे मिला है मुझे, क्योंकि मेरे नेल्स ऐसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन कुछ टाइम से मेरे जो नेल्स थे, मतलब मैंने कुछ टाइम से नेल पेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो उसके वजह से जो हमारे नेल्स के जो मतलब एक्चुअल टेक्सचर होते हैं वो बिल्कुल खराब होने लगते हैं, जो हमारे एक्चुअल नेल्स होते हैं वो बिल्कुल खराब होने लगते हैं, बिल्कुल ड्राई होने लगते हैं और येलो पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा।
तो मेरे नेल्स भी ऐसे ही हो रहे थे। मैंने ज्यादा नेल पेंट कभी भी यूज नहीं किया, लेकिन मैंने एक दो बार ही यूज किया है एंड उसके बाद मेरे जो नेल्स है बिल्कुल खराब होने लगे थे, बिल्कुल ही मतलब ऐसे टूटने भी लगे थे। मेरे नेल्स बहुत ज्यादा टूटते थे, ब्रेक हो जाते थे। लेकिन मैं जब से इस पावर गमीज को यूज कर रही हूँ तब से मेरे जो नेल्स हैं बिल्कुल वाइट दिखने लगे हैं, वाइट एकदम बिल्कुल वाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो नेल्स हैं वो ऐसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडीशन में थे, लेकिन कुछ टाइम से जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेल पेंट मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे जो नेल्स हैं बहुत ज्यादा अजीब होने लगे थे, एकदम स्क्रैचेस मतलब पड़ने लगे थे। जैसे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है, ऐसे लगता है आपके जो नेल्स हैं बहुत ज्यादा एकदम थिन हो गए हैं, बहुत ज्यादा थिन हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं मुझे फील हो रहा है, मेरे जो नेल्स हैं वो पहले भी ब्यूटीफुल थे और अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, उससे ज्यादा बेटर हो गए हैं क्योंकि अब मुझे मेरे जो नेल्स है बिल्कुल वाइट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तो आपको पिंक दिखता है लेकिन ये जो ऊपर वाले रहते हैं वो बिल्कुल वाइट देखने को आपको मिल रहे हैं कि मेरे जो नेल्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है और जो नेल्स की जो कंडीशन है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। तो इस चीज से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कोई भी हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता, हम अपनी हेयर केयर कर लेंगे एक बार, स्किन केयर कर लेंगे लेकिन नेल्स की केयर हम नहीं कर पाते। तो बहुत लोगों की नेल्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा टूटने लगती है उनकी नेल्स, मतलब हर टाइम बस ब्रेक होने लगता है, जिसकी वो थोड़ा भी बढ़ नहीं पाता है और टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं अभी फिलहाल, जो मेरे नेल्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगने लगे हैं और जो मेरे नेल्स की जो कलर है वो बिल्कुल इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है एक्चुअल में, मतलब सामने आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतने सारे अच्छे नेल्स है मेरे। तो मेरे नेल्स ऐसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ टाइम पहले थोड़े खराब हो गए थे, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरे नेल्स। अगर मैं बात करूं हेयर फॉल कम होने की, तो कोई भी प्रोडक्ट आपके हेयर फॉल को एकदम से ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रीजन मतलब कोई स्ट्रांग रीजन के वजह से ही हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो हेयर फॉल तो मेरे मतलब बहुत ज्यादा हो रहे थे कुछ टाइम पहले, अभी थोड़े से ठीक हो रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गए हैं। अब जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि पहले मेरे जो हेयर फॉल होते थे बहुत ही ज्यादा होते थे। भी हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, आपको भी हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं और नेल्स में भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला अपने नेल्स पे और अपने हेयर पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिला है। तो मैं आप लोगों को इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। तो परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप अपने लिए भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो इन पावर गमीज के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं हम अपने आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thinking of you, thinking of you.